नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनु मलिक और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने सोमवार को मुंबई पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उसे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। यही नहीं, छोटे राजन ने ये भी कहा कि पुलिस के कुछ लोग डी कंपनी के चीफ यानी कि दाऊद इब्राहिम से मिले हुए हैं, मुंबई से उसकी जान को खतरा है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पशुपालन मंत्री कुसुम बहदेले से लात खाए 10 साल के बच्चे का पता नहीं चल रहा है, लिहाजा सोमवार को उसका पता लगाने के लिए पुलिस को उसके गांव हाटीपुरा भेजा गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के अंतिम चरण के लिए 3 रैलियां की। पूर्णिया, फरबिसगंज और दरभंगा में अंतिम रैली करने के साथ उन्होंने इस चुनाव में कुल 25 रैलियां पूरी कर ली। अंतिम दिन की रैली में मोदी जी ने नीतीश, लालू और कांग्रेस तीनों पर निशाना साधा है।
संत आसाराम बापू के साथ वीडियो सामने आने के बाद जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस ओर जवाब देने की मांग की है। सोमवार को पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि तंत्र मंत्र की बात कर लालू नीतीश को बदनाम करने वाले नरेंद्र मोदी खुद आसाराम बापू जैसे बलात्कारी अपराधी के साथ भजन कीर्तन कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दादरी कांड जैसी घटना पर जानबूझकर चुप्पी साधे हुए बताया, जबकि उनके मंत्रिमंडल और पार्टी के सहयोगियों ने महज बिहार चुनाव जीतने के लिए इस मुद्दे को जीवंत बनाए रखा है।
बड़ी खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव एक्सप्रेस। नमस्कार। यह है लाइव न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।